अच्छा, समुद्वारा कि एरिया पे पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया पैरेललोग्राम समझ, ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये तुम्हारा थीटा है। एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है? ये ऐसे पैरेलल, तो ये भी इसका सेम थिंग आएगा। ये बी वेक्टर, तो ये भी वेक्टर है क्योंकि लेंथ भी इक्वल है और सेम डायरेक्शन है, और ये वेक्टर, ये भी ए वेक्टर होगा। ओके, द लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो एरिया पे पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया पे पैरेललोग्राम होता है इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। हम इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। एक तो ले लो कि एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम यहाँ पर ले लो। ओके, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बी सी डी और ये एन ले लो, डी एन। हमारा एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया पे पैरेललोग्राम होता है कि बेस इनटू हाइट, दैट इज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाइट होता है तुम्हारा डी एन। एरिया पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट होता है, देन तुम्हारा बेस है बी वेक्टर मैग्नीट्यूड डी एन। तो डी एन तुम निकाल सकते हो साइन थीटा में। तो साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच, पी दैट इज डी एन बाई एच है तुम्हारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। साइन थीटा पी बाई एच, ये एंगल का फ्रंट वाला पी बाई एच, देन डी एन इक्वल टू, तुम्हारा डी एन इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो हमारा क्या होता है कि तुम्हारा बी वेक्टर और डी एन तुम्हारा आया क्या, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कितना साइन थीटा। ये तुम्हारा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, जो कि बी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ये है एरिया पे पैरेललोग्राम होता है। इसी तरह तुम्हारा एरिया पे ट्रायंगल। अच्छा, एरिया पे ट्रायंगल क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका आएगा हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा बाय द वे, तुम ए क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकाला जाता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैं ऑलरेडी बोला था, ये डिटरमिनेंट में निकाला जाता है। आई कैप, जे कैप, के कैप और ये ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू। ये ए वन बी वन सी वन है ए वेक्टर का डी आर एस है, और बी वेक्टर जो का डी आर एस ए टू बी टू सी टू डायरेक्शन रेशियो। ओके, और कंपोनेंट्स ऑफ द ए वेक्टर बोल सकते हो, कंपोनेंट्स ऑफ द बी वेक्टर बोल सकते हो। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है कैसे? हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये कैसे हुआ? देखो, ये ट्रायंगल है, सपोज ये तुम्हारा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये थीटा है। यहाँ पर एक तो परपेंडिकुलर लाइन डालो, ये बी सी। ओके, सेम थिंग है तुम्हारा। हमारा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सपोज तुम्हारा सी डी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर सेम थिंग, तुम्हारा सी डी क्या आएगा कि तुम्हारा साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है पी बाई एच, दैट इज सी डी बाई हाइपोटेन्यूस। तो पी बाई एच, ये एंगल का फ्रंट वाला पी है, एच है तुम्हारा ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंथ। तो सी डी आया तुम्हारा क्या, ए वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर भी सेम थिंग आएगा कि ये हाफ क्रॉस बी का ये मैग्नीट्यूड सी डी है तुम्हारा ए वेक्टर, ये साइन थीटा मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ये हाफ इंटू ये ए क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, जो कि मैं पहले से लिखा है। ये एरिया पे क्या होता है? ट्रायंगल होता है। देन ऑल ऑफ यू कि तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला तुम्हारा, सपोज ये ए वेक्टर, सपोज कुछ पॉइंट दिया होगा ये पोजिशन वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, कुछ पॉइंट दिया होगा ये पोजिशन वेक्टर जो कि ओरिजिन से जाता है। ये
पॉइंट दिया होगा एक्स वन वाई वन जेड वन और ये एक्स टू वाई टू जेड टू, देन द्वारा ये आर वेक्टर, ये पॉइसन वेक्टर, ए वेक्टर पॉइसन वेक्टर, पॉइंट देगा पॉइसन वेक्टर आएगा तो ये ओरिजिन से जो जाता है उसे पॉइसन वेक्टर बोला जाता है। पर ए वेक्टर क्या होता है, ये इंटरनली है, सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली इंटरनली डिवाइड होता है कि द्वारा पॉइसन वेक्टर जो ओरिजिन से जाता है, सपोज ए एक्स वन वाई वन जेड वन ने पॉइंट दिया, देन ए वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। ये बी वेक्टर है, इसका जो पॉइसन वेक्टर भी इसी तरह आएगा, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। तुम्हें एक आर वेक्टर लेना है जो एक्स वाई जेड है। अगेन सपोज ये एम एच टू एन रेशियो में डिवाइड हुआ है, देन द्वारा डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, और आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल टू एम इंटू बी वेक्टर प्लस योर एन इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ये एन इंटू ए वेक्टर, एम इंटू बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय योर एम प्लस एन। ये तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला है इंटरनली। अगर एक्सटर्नली है, एक्सटर्नली सपोज ये एम ये आर वेक्टर इधर यहाँ पर आएगा क्योंकि एक्स वाई जेड हमें निकालना है, और ये तुम्हारा एक्सटर्नली इधर सपोज मैं दे दिया ये एम लेंथ है और ये एन लेंथ है, ये एन लेंथ है और ये एम लेंथ है। अगेन यहाँ पर पॉइंट दिया होगा ए वेक्टर का और ये बी वेक्टर का पॉइंट दिया होगा, देन द्वारा ये आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, द्वारा एक्सटर्नली में कुछ नहीं दोनों माइनस रहता है कि यहाँ पर आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, सेम थिंग क्या था, एम इंटू बी वेक्टर माइनस एन इंटू ए वेक्टर बाय एम माइनस एन होता है। अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये ए वेक्टर है उसका पॉइसन वेक्टर पॉइंट दिया होगा, ये बी वेक्टर है पॉइसन वेक्टर जो ओरिजिन से जाता है उसे पॉइसन वेक्टर, ये आर वेक्टर चाहिए जो कि तुम्हें एक्स वाई जेड चाहिए, देन द्वारा मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होता है, अगर ये मिड पॉइंट है, आर वेक्टर मिड पॉइंट है तो, और इसको वन इज टू वन रेशियो भी ले सकते हो, तुम्हारा आर वेक्टर जो है इक्वल आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय टू, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। ओके ठीक है।